मैं मानवी की डोनर बन सकती हूँ। अगर अगर मैंने अपना बच्चा गिरा दिया की बात की, तुम होश में तो हो जीविका? जानती हो तुम क्या कह रही हो? मुझे माफ कर दो मेरे, लेकिन मनु को बचाने का और कोई तरीका नहीं। अगर मैंने मानने को अपना बोन मैरो डोनेट नहीं किया तो वो हमेशा के लिए जी। और अपने बच्चे को खोने के लिए तैयार हो गए? जी का एक ख्याल भी कैसा है तुम्हारे दिमाग में? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये डिसीजन तुम अपने आप कैसे ले सकती हो। जीविका, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, जितना तुम्हारा उतना मेरा भी है। इसलिए तो मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मानवी को जिंदगी देने के लिए हमें ये फैसला लेना ही होगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है मिरिंच, कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। लेकिन एक उम्मीद को जगाने के लिए दूसरी उम्मीद को बुझा देना, जीविका ये कहाँ की बहादुरी है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक माँ होने के बावजूद तुम्हारे मन में ख्याल आया भी कैसे। मुझे हैरानी हो रही है सोचकर। एक माँ जन्म देती, तुम कैसी बातें कर रही? नहीं जीविका, हमारे किस हमारे बच्चे को नहीं गिराएंगे। लेकिन वीरेंद्र जी, मानवी भी तो मेरी बच्ची ही है ना, मैं उसका दिया बुझते हुए कैसे देख सकती हूँ? अपनी आंखों के सामने उसे दम तोड़ते हुए कैसे देख सकती हूँ बहन जी? आप मेरे दर्द को क्यों नहीं समझ रहे? मेरी बहन मर जाएगी बहन जी, मेरी मन भी मर जाएगी। जी का मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। जितनी फिक्र तुम्हें मानवी की उतनी मुझे भी है, जितनी हमदर्दी तुम्हें मानवी के साथ है उतनी हमदर्दी मुझे भी है जीविका। लेकिन एक जान को बचाने के लिए दूसरी जान का गला घोटने नहीं दूंगा। एक ऐसी मासूम जान जो अपने खुद की हिफाजत भी नहीं कर सकती, कभी नहीं जीवेगा। मानवी भी तो मेरी बच्ची ही है ना, मैं उसका दिया बुझते हुए कैसे देख सकती हूँ? अपनी आंखों के सामने उसे दम तोड़ते हुए कैसे देख सकती हूँ बहन जी? को क्यों नहीं समझ रहे? मेरी बहन मर जाएगी, मेरी मन भी मर जाएगी। मानवी का वो झोंका है जो हम सबकी सांसों को ताजा कर देता है। She's like a fresh breath of life. अगर आज मैं दी से मिल पा रही हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। Because you are my Jiju number one. And you are my Sali number one. Thank you. Jiju, मैं हमेशा बोलती थी कि आप दी को पाके लगे हो, पर आज मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज करना चाहती हूँ। दी आपको पाके लगी है जीजू, आप जैसा पति ना हर लड़की को मिले, हर लड़की को और हर जीजू को तुम्हारी जैसी साली मिले।
को बचाने के लिए मैं तुम्हें दूसरी जान का गला घोटने नहीं दूंगा। नाराज हो मुझसे। माने ही अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जीजू, मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानती हूँ आपकी नाराजगी की वजह क्या है। आदमी को जिंदगी देने के लिए हमें ये फैसला लेना ही होगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है मेरे जी। जो मैं जानती हूँ कि दी अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है, जिसकी वजह से वो छुटकी को भी इग्नोर कर रही है। मेरी चिंता में उसकी हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ सकता है। वो भूल ही गई कि उनकी अपनी लाइफ भी है। दिन रात बस मेरी टेंशन में लगी रहती है। मनु, तूने खाना खाया? मनु, तूने पानी पिया? रेस्ट किया? ये वो जीजू, वो मेरी फिक्र में अपने आप को भूल गई, अपने पति को, अपने अपने बच्चे को। लेकिन जीजू, वो ऐसी ही है, आप तो जानते हो ना। वो मेरी वजह से अपनी जिंदगी तो भूलती जा रही है। लेकिन जीजू, अब इतने दिन बर्दाश्त किया तो थोड़े दिन और सही। मानवी, प्लीज ऐसी बातें मत करो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। बातें करने से सच झूठ में तो नहीं बदल जाएगा ना जीजू। और अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया ना। अरे डॉक्टर कौन होता है जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला? पानी ऊपर वाला है ना, उस पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। जीजू, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पे सोच के फायदा क्या है? जो चीज किसी और के हाथ में है, तो सिर्फ उसको हैंडल करने के लिए हमें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। और फिर हम जिंदगी भर तो नहीं जी सकते ना जीजू। मैंने विराट को भी समझाया, लेकिन खासकर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जीजू, आपको याद है मैंने आपकी शादी के टाइम पे आपसे एक वादा लिया था। तुम मेरे हो चुके जीजा जी। मेरी आपसे मांग पैसे नहीं, कुछ और है। मेरी आपसे मांग ये है कि मेरी दी की आंखों में कभी भी आंसू मत आने देना जीजू। उनको इतना प्यार देना कि वो हम सबको भूल जाए। मानवी, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी बहन को हमेशा खुश रखूंगा। आपने वो वादा बहुत अच्छे से निभाया जीजू। दी की जिंदगी आपने अपने खुशियों से भर दी। आपके जैसा केयरिंग हस्बैंड ना हर लड़की को सिर्फ किस्मत से मिलता है। सच कह रही हूं मैं। और एक मैं हूं दी की संगीत बहन होते हुए, और आज तक आंसू के अलावा मैंने कुछ दिया नहीं है। बचपन से लेके आज तक जब भी उन्हें कोई तकलीफ हुई है ना, सिर्फ मैं, मेरी वजह से। और आज जाते जाते भी बात क्या नाम है, मेरे पास कुछ नहीं है जीजू। लेकिन जीजू, प्लीज मुझसे वादा करो ना, किसी को हमेशा खुश रखोगे वैसे ही जैसे अब तक रखते आए हो। उनको उनको हर खुशी दोगे, उनकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दोगे मेरे जाने के बाद भी। जीजू, मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन
मुझसे प्रॉमिस करो उनको कभी कोई दुख नहीं आने दोगे प्लीज जीजू। तुम्हें कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तो चाहे एक कर दूंगा लेकिन लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मानी कहीं ना कहीं से डोना मिल जाएगा, बस बस मुझसे वादा करोगी तुम आज के बाद वापस यही खाओगे। मानी तुम कैंसर के सामने नहीं, कैंसर तुम्हारे सामने झुकेगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर जीविका जी पाएगी? नहीं जी पाएगी वो। अरे मैं इस दुनिया का सारा प्यार भी दे दूं ना जीविका को, तब भी तुम्हारी कमी उसकी जिंदगी में कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी। मुझसे वादा करो मानवी, तुम जियोगे अपने लिए, अपनी दी के लिए, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। वादा करो मुझसे। आप जाओ, मैं मानवी के साथ। जी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। जीजू, प्लीज मुझसे वादा करो ना को हमेशा खुश रखो वैसे ही जैसे अब तक रखते आए हो। मानवी, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी बहन को हमेशा खुश रखूंगा। मेरी आपसे मांग ये है कि मेरी दी की आंखों में कभी भी आंसू मत आने देना जीजू। Thank you.
चिंता मत करो विराट, मेरी सांसें अभी चल रही है, कुछ दिन और पका के जाऊंगी तुम्हें। मैं तो चाहता हूं तुम मुझे जिंदगी के बाद पका, और जिंदगी के बाद भी। चलो बस बहुत हो गया, सो जाओ। जीविका, तुम ये फ्रूट सलाद मत खाओ, इसमें पपीता मिक्स्ड है, और कहते हैं कि प्रेगनेंसी में पपीता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उससे वो मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं। तरुण जी, महाराज से कह दो कि कल से जीविका के लिए अलग से फ्रूट्स काटें और उसमें पपीता बिल्कुल नहीं डालेंगे। ओके तरुण, मानवी बिटिया ने कुछ खाया कि नहीं? नहीं दादाजी, मानवी दी ने मना किया कि आज वो कुछ नहीं खाएंगी। रॉन्ग, मैंने खाने से मना नहीं किया, मैंने सिर्फ रूम में खाने से मना किया। मैं आज ब्रेकफास्ट आप सब लोगों के साथ करना चाहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। किताब का हर पन्ना आपके आंखों के सामने खुला हुआ, वक्त गुजरता जा रहा है और खतरा और पास आ रहा है। उसकी जिंदगी किसी भी वक्त थम सकती है बहन जी, अगर इस पल हमने फैसला नहीं लिया तो न जाने कौन सा पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है। किस तो राह पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे, क्या फैसला लूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।